माय गुडनेस, नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. आज एक फिल्म रिलीज हुई है द केरला स्टोरी, जिसका बहुत कम प्रमोशन हुआ था, लेकिन आज सुबह मैंने आपसे एक एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट शेयर की थी और उस रिपोर्ट के हिसाब से जो नंबर्स मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, इस वक्त जो डे वन कलेक्शन की रिपोर्ट्स आ रही हैं, दे आर एक्चुअली शैटरिंग ऑल द अदर रिकॉर्ड्स. जी हाँ, ये जो नंबर मैं आपको बताऊंगी, साथ साथ में ऑक्यूपेंसी बताऊंगी, इट इज इनसेन जिस तरह से इस मूवी को रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो वर्ड ऑफ माउथ जा रहा है, जो ऑक्यूपेंसीज आ गई हैं इस मूवी की इस वक्त तक, दे आर रियली रियली शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग ऑल द ट्रेड एनालिस्ट. सो क्या नंबर्स आए हैं, सब कुछ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में. वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब. पहले बात करते हैं इस मूवी की, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है, और इसके जो वर्ड ऑफ माउथ रिव्यूज आ रहे हैं लोगों से, वो इतनी जंगल में आग की तरह ना फैल रहे हैं लिटरली. मुझे याद है कि मैंने जब इस फिल्म का आपसे इससे पहले एक वीडियो शेयर किया था, चाहे वो मॉर्निंग का था, उससे पहले भी एक मैंने वीडियो शेयर किया था, जहां मैंने ये बात साफ तौर पर प्रिडिक्ट की थी कि जब ये मूवी रिलीज होगी और वर्ड ऑफ माउथ इसका आएगा, उसके बाद इसके नंबर्स ना सबको शॉक हैरान कर देंगे, लिटरली हैरान कर देंगे, और वो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है. ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले इस मूवी की ऑक्यूपेंसी की. मतलब भाई साहब, ये ऑक्यूपेंसी मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी. जिस तरह का बज इस मूवी का ऑन द ग्राउंड, जिसको कहते हैं ना, अंदर ही अंदर चल रहा था, वो सामने से नहीं नजर आ रहा था और अब वो नंबर्स में नजर आ रहा है. तो पहले इस मूवी की हम ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं, उसके बाद सिटी वाइज कलेक्शन और बुक माई शो देखोगे आप, मतलब पागल हो जाओगे कि भाई साहब ये क्या होने वाला है. और मैं आपको इतना लिख के कह सकती हूँ कि आने वाले दिनों में ना most of the records, so many records will be shattered by the Kerala story. Okay, so occupancy की बात करते हैं हम लोग पहले. आज morning की occupancy 17.4% थी. ये occupancy आराम से मिलती नहीं है, जो मैं आपको बता रही हूँ 17.4% की occupancy morning में. afternoon 25.8% occupancy, बहुत एकदम से बहुत बढ़ गई, और उसके बाद evening में और बढ़ गई है, 28.8% की ऑक्यूपेंसी है. और रात का मेरा अंदाजा है, अभी नाइट ऑक्यूपेंसी नहीं आई है, बट मेरे हिसाब से अगर यही चलता रहा तो मेरी प्रिडिक्शन है आराम से 32-33% नाइट ऑक्यूपेंसी जाने वाली है. और मेरा ये प्रिडिक्शन ऐसा क्यों है, अभी मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताने वाली हूँ. ठीक है, पहले हम लोग सिटी वाइज एक बार बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर इस फिल्म को कितने शोज मिले हैं और कितनी ऑक्यूपेंसी है. ठीक है, बात करेंगे पहले मुंबई की. 26.6% ऑक्यूपेंसी, 424 शोज, एब्सोल्युटली थंडरिंग अमेजिंग. ओके, एनसीआर 23.3% ऑक्यूपेंसी, 512 शोज, एब्सोल्युटली अमेजिंग. पुणे इज इनसेन, लेट मी टेल यू, द ऑक्यूपेंसी इज 45% ऑक्यूपेंसी इन 155 शोज. बैंगलोर 21.6% ऑक्यूपेंसी, 142 शोज. हैदराबाद 32% ऑक्यूपेंसी, 102 शोज. कोलकाता 18.6% ऑक्यूपेंसी, 135 शोज. अहमदाबाद 12.6% ऑक्यूपेंसी, 211 शोज. चेन्नई 64.5% ऑक्यूपेंसी, सबसे बड़ी सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी यहाँ पे, 29 शोज हैं. सूरत 12.3% ऑक्यूपेंसी, 129 शोज. जयपुर 17.6% ऑक्यूपेंसी, 89 शोज. ओके, चंडीगढ़ 18.6% ऑक्यूपेंसी, 56 शोज. भोपाल 18.3% ऑक्यूपेंसी, 44 शोज. एंड लखनऊ 23% ऑक्यूपेंसी इन 91 शोज. दिस इज एब्सोल्युटली इनसेन. ये नंबर भाई साहब लाना, वो भी इतने कम प्रमोशन पर, बहुत बड़ी बात है. इससे पता चलता है कि देश जो है उसका मूड क्या है, लोग क्या देखना चाहते हैं एक्चुअली, और किस तरफ ये जो है धारा बहती हुई दिख रही है. इसको देखकर यार, ऑक्यूपेंसी जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती हैं हमारे को ये प्रिडिक्ट करने में कि कलेक्शंस क्या आने वाली हैं. ठीक है, इसके दम पर मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हो सकता है अभी जो मैं आपसे नंबर शेयर कर रही हूँ, जब मैं आपसे कल सुबह एक फाइनल नंबर शेयर करूँगी, वो भी चेंज हो गया होगा. हो सकता है वो भी काफ़ी आगे पहुँच गया होगा, क्योंकि बॉस दिस इज मैजिकल. दिस नंबर इज मैजिकल इन दिस काइंड ऑफ पब्लिसिटी, इतनी कम प्रमोशन पे. तो नंबर टोटल बताऊँ, उससे पहले ज़रा मैं आपको बुक माई शो का जायज़ा बताती हूँ. बॉस बुक माई शो खोल के देखो आप, ठीक है, आपको सारा बुक माई शो ऑरेंज नजर आएगा. मुंबई हो, दिल्ली हो, पुणे इज इनसेन, लिटरली इज इनसेन. मैं अभी 8:15 पर शाम को मैं वीडियो बना रही हूँ इस वक्त, और मेरी गारंटी है आप अभी से भी थोड़ी देर में खोल के देखोगे बुक माई शो, इट विल बी क्रेजी लिटरली. ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे मुंबई की, कुछ ऐसी जगहों के, कुछ ऐसे थिएटर्स का मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो कि काफ़ी, जो नंबर मैं एक वीडियो में बता भी नहीं सकती, इतने सारे ऑरेंज, इट इज़ एब्सोल्युटली इनसेन, इतने सारे ऑरेंजेस हैं. ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग कुछ दो तीन महानगरों की, जिसमें मैं पुणे के बारे में आपको बताऊंगा, हिल जाने वाले सोच के. ठीक है, मुंबई की बात करते हैं. आइनॉक्स इनऑर्बिट मॉल मलाड में 9:45 का शो, 11:10 का शो, फास्ट फिलिंग, हाउसफुल हो जाएगा बहुत जल्दी. सिनेपोलिस नवी मुंबई ले लो, आइनॉक्स कल्याण ले लो, पीवीआर पनवेल, ठीक है, मूवी टाइम गोरेगांव, सिनेपोलिस फन रिपब्लिक अंधेरी वेस्ट. भाई साहब ये तो सिर्फ शुरुआत है,
ठीक है, इसके बाद आप कितनी लंबी लिस्ट उठा के देख लो, पूरा का पूरा भुख माई शो आपको सिटी वाइज भी ऑरेंज 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 नजर आएगा या ग्रे, मतलब हाउसफुल हो चुका है। ठीक है, बात करूंगी बैंगलोर की, बैंगलोर आइनॉक्स, मल्लेश्वरम, गोपालम सिनेमाज, मैसूर रोड, पीवीआर, वाइट फील्ड रोड, ओ माय गुडनेस, दिस इज रायट, एक्चुअली रायट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग दिल्ली एनसीआर की, मेरे शहर दिल्ली एनसीआर, पीवीआर गौर सिटी, ग्रेटर नोएडा, पीवीआर लॉजिक्स नोएडा, ये बहुत अच्छे बहुत नामी गिरामी सेंटर्स हैं, सिनेपोलिस नोएडा, 8 PM शो हाउसफुल, ठीक है, मूवी मैक्स गुलशन नोएडा 10:15 PM फिलिंग फास्ट, वेव नोएडा 8 बजे और 10 बजे फिलिंग फास्ट, सिनेपोलिस जनक सिनेमा दिल्ली की बात हो रही है 7:55 PM शो वॉज फिलिंग फास्ट, RR ओमैक्स गुड़गांव 8:10 का शो फिलिंग फास्ट, M2K रोहिणी 7:45 का शो फिलिंग फास्ट, और इसके साथ आप पहुंचते हैं पुणे, ओ माई गुडनेस, नाउ दिस, आप पुणे के बुक माई शो को खोलकर देखो आप लिटरली दंग रह जाओगे, बस ये क्या है, ये क्या देख रहे हैं हम। ठीक है, पुणे की बात करूं, कोई भी शो उठा लो, कितने भी बजे का उठा लो, आपको फास्ट फिलिंग मिलेगा, आपको हाउसफुल होता मिलेगा, आज आपको शो नहीं मिलेंगे पुणे में, क्योंकि वहां की ऑक्यूपेंसी जैसे मैंने अभी आपसे शेयर किया है 45% की ऑक्यूपेंसी है, जी हाँ 155 शोज है सिर्फ, तो तब भी जो ऑक्यूपेंसी है वो 45% की, आप खुद सोच सकते हैं आपकी नंबर कहाँ जाके रुकने वाला है। ठीक है, तो पुणे की बात करूँ मैं, सिनेपोलिस, सीजन्स मॉल, सिटी प्राइड, कोटरूड, जियोन मॉल, हिंजावड़ी, ठीक है, ये सारे ए सेंटर्स हैं, दीज ऑल आर ए लिस्टेड सेंटर्स, दे आर नॉट BNC सेंटर्स, ये मैं बता दूँ, ये मेन स्ट्रीम सेंटर्स हैं मल्टीप्लेक्सेस। ठीक है, PVR आइकॉन हो गया, आइनॉक्स हदपसर हो गया, सिटी प्राइड सातारा रोड हो गया, ये सब के सब आपको हाउसफुल या फिलिंग फास्ट की श्रेणी में जाते हुए दिख जाएंगे। तो भाई साहब, इससे तो मैं यही कंक्लूड कर सकती हूँ कि द केरला स्टोरी इज गोइंग टू बी अ सुपर ब्लॉकबस्टर व्हेन इट कम्स टू कलेक्शंस। ओके, क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं अभी तक मैंने नहीं देखे हैं, आई वाज आउट टुडे, मैं आज घर के बाहर थी, लेकिन मैंने रिव्यूज़ तो भाई साहब नहीं देखे, लेकिन मैं कलेक्शंस देखकर दंग रह गई हूँ, ये कलेक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो बात करूँगी अब मैं नंबर्स की, भाई नंबर क्या है, अब ज़्यादा मत तड़पाओ, ठीक है, नंबर बताओ, मैं आपको नंबर बताती हूँ पहले रियल टाइम का, इस वक्त रियल टाइम का क्या मतलब होता है कि अभी भी कितने लोग फिल्म देख चुके हैं, देखने जा रहे हैं, वो रियल टाइम है, उसमें कुछ डेटा और आना भी होता है, कुछ डेटा और पूरा आया नहीं होता है। ठीक है, तो वो होता है रियल टाइम, ग्रॉस नंबर फॉर रियल टाइम डे वन द केरला स्टोरी इज 4,50,66,010, नंबर ऑफ फुटफॉल इज इनसेन फुटफॉल, जस्ट लिसन टू दिस, 2,21,936 पीपल हैव वॉच्ड दिस मूवी ऑलरेडी टुडे, ओके, नंबर ऑफ शोज 4,479, एंड द इनसेन काइंड ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑन फ्राइडेज 21%, दिस इज इनसेन, क्योंकि 21% की ऑक्यूपेंसी, आज हाफ छुट्टी है, आज पूरी छुट्टी नहीं है, ठीक है, इतनी बड़ी ऑक्यूपेंसी ले आना अपने आप में, इसको मैं मतलब क्या बोलूँ मैं, लिटरली ये लोग हैं, जनता जनार्दन होती है, जनता जनार्दन के आगे और कुछ नहीं होता, कलेक्शंस की हम लोग बातें करने वाले हैं सिर्फ, तो यहाँ पर कलेक्शंस के मामले में जनता साबित कर चुकी है कि वो इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना के छोड़ेगी बॉस। ठीक है, बात करेंगे अगर अब हम टोटल कलेक्शन की, ठीक है, ये नंबर जो है क्या आ रहा है और ये गाड़ी किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, अभी जो नंबर मैं आपसे शेयर करूंगी ये नंबर हो सकता है आधी रात में बदल जाए, बढ़ जाए, तो क्या नंबर आ रहा है आज का डे वन का प्रेडिक्शन फॉर द केरला स्टोरी इज, लेडीज एंड जेंटलमैन ब्रेस योरसेल्व्स, द नंबर इज 6.5 crores नेट इंडिया, इफ आई एम सेइंग नेट इंडिया तो आप सोच लीजिए ग्रॉस जो है वो आराम से 10 crore तक टच करता हुआ दिखता है। मैंने आपसे कहा था, आज सुबह ही कहा था कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये डबल डिजिट में नंबर जा सकता है आज डे वन पे, अगर ये कलेक्शन, ये एडवांस बुकिंग की कलेक्शन है, तो भाई साहब नाउ डू यू नो वाई आई, नाउ यू अंडरस्टैंड वाई आई एम सो पम्प्ड अप टू सी दिस काइंड ऑफ नंबर। अब इसके बिना पर भाई साहब कल सैटरडे है, परसों संडे है, क्या होगा, आई हैव नो आइडिया, यू हैव नो आइडिया, ये कहाँ तक पहुँच जाएगी, ये नंबर कहाँ तक जाके रुकने वाला है, क्योंकि अभी डे नंबर वन है, जैसे मैंने बोला रात को होगी असली बुकिंग्स, और आज सुबह, कल सुबह जो मैं आपसे एडवांस बुकिंग का नंबर शेयर कर रही होंगी, मुझे पूरा भरोसा है वो नंबर आज के नंबर से डबल ट्रिपल होने वाला है। ठीक है, और वो कलेक्शंस क्या होंगी, वी कैन नॉट इवन इमेजिन, किसी ने सोचा नहीं था वर्ड ऑफ माउथ से चलकर एक फिल्म जो है वो इतनी आगे पहुंचेगी। कंटेंट पर मैं यहाँ पर कमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कलेक्शंस की बात कर रही हूँ, कलेक्शन वाइज इट इज इनसेन इनक्रेडिबल, एंड आई एम श्योर दैट दिस इज गोइंग टू ग्रो इन द कमिंग टाइम्स, लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है, स्टे ट्यून्ड टू ऑल द अपडेट्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।